How to prepare for UPSC 2021, a strategy for prelims and mains 2021. इससे पहले कि हम strategies और वो planner को देखें चलिए हम वो resources को देखते हैं जिसके basis पर हमारा strategy define होगा तो क्या आपको पता है कि आपका सबसे important resource कौन सा है जो आपके success के लिए बहुत सबसे ज़्यादा matter करेगा Yes, most of you are right. It is your time. But how and why इसको समझने के लिए हम यू के इस प्लानर का सपोर्ट लेंगे जहाँ पर यू ने ट्वेंटी सेवेंथ जून को प्रपोज़ किया था प्री एग्ज़ाम के लिए एंड सैवनटीन ऑफ सेप्टेम्बर में मेंस का डेट प्रपोज़ था अगर हम इन दोनों के डेट के बीच में टाइम का गैप देखें तो ये कुछ 82 टू डेज आता है और जैसा कि हमें हमें पता है कि जो नया डेट है वो टेंथ ऑफ अक्टूबर है लेटस एज्यूम टेंथ ऑफ जनवरी नेक्स्ट ईयर इज़ अ डेट गोइंग टू बी प्रपोज फॉर मेंस एग्ज़ामिनेशन तभी 90 डेज ही हमें मिलेंगे और जैसा कि हम जानते हैं कि यूपीएससी मेंस सिलेबस में जो सब्जेक्ट कैटेगराइज हैं वो चार कैटेगरीज़ में हैं कंपलसरी पेपर ए जनरल स्टडीज़ एंड ऑप्शनल और जहाँ पर जनरल स्टडीज़ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसी के परफॉर्मेंस के बेसिस में एक कैंडिडेट के सक्सेस डिसाइड होते हैं जनरल स्टडीज़ में भी आप जब देखेंगे तो इसमें एटलीस्ट थर्टीन टू फिफ्टीन सब्जेक्ट्स मिलेंगे आपको कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत सारे टॉपिक्स हैं कुछ में लिमिटेड टॉपिक्स हैं बट बाय एन लार्ज अगर मैं हर सब्जेक्ट में थर्टी टॉपिक्स भी देख लूँ तो ये कुछ फोर हंड्रेड फिफ्टी टू फाइव हंड्रेड टॉपिक्स हो जाते हैं और जब मैं थर्टी टॉपिक्स बोल रहा हूँ तो ये बेयर मिनिमम टॉपिक मैंने एज्यूम किया है क्योंकि जोग्राफी में चार कैटेगरीज हैं फिजिकल जॉग्रफी ह्यूमन ज्योग्राफी इंडिया फिजिकल इंडिया ह्यूमन ज्योग्राफी और वहां पे केवल फिजिकल जॉग्राफी में ही आपको थर्टी टॉपिक टॉपिक्स है ये बेयर मिनिमम है सो लेट अस इज्यूम दैट इफ यू हैव टू टेकल फोर फिफ्टी टू फाइव हंड्रेड टॉपिक्स टू मैनेज योर मेन्स एग्जामिनेशन एंड जनरल स्टडीज मीन और वो भी नाइनटी डेज में तो आपको पांच टॉपिक से कुछ ज़्यादा टॉपिक्स को पर डे कमांड करना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल एक दिन में अगर आप जोग्राफी और इकोनॉमिक्स को लेके चल रहे हैं तो जियोमॉर्फोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी ओस्नोग्राफी और इकोनॉमिक्स में फिजिकल पॉलिसी मनी एंड बैंकिंग इन सारे टॉपिक्स में आपको इतना कमांड हासिल करना होगा जिससे कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को हरा पाए जो कि एक तरह से इम्पॉसिबल सा है तो सवाल ये उठता है कि क्या किया जाए तो यहाँ पर मेरा सजेशन है कि यू शुड फोकस ऑन प्रिलियम्स एंड मेन्स टुगेदर बट ऑब्वियस है ये बहुत ही कॉमन सी स्ट्रैटेजी है पर क्वेश्चन इज हाउ इस हाउ को लर्न करने के लिए हम वर्ल्ड के कुछ फेमस पर्सनालिटी से लर्न करेंगे उनके लाइफ स्टाइल और उनके एक्सपीरियंसेस को देखेंगे जिससे कि हम अपने लाइक like, एरिया को फोकस कर पाए जहाँ से हमको विनिंग की पॉसिबिलिटी दिखे तो तेंदुलकर को हम जानते हैं कि वो अपने बहुत ही कम एज में वर्ल्ड के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ा था और बहुत ही रिसेंटली उन्होंने एक बायोग्राफी में अपने उस सीक्रेट को रिवील किया जिसके तहत उन्होंने ये माइलस्टोन अचीव किया वो कहते हैं कि आई यूज़ टू स्पेंड एज मच टाइम ऑन फील्ड एज पॉसिबल आई वो ट्रेंड एंड प्ले फॉर ट्वेल्व आवर्स अ डे it became a routine i was happy it wasn't torturing and maine kahin suna tha ki tendulkar kehte hain ki whenever i miss any day net practice a feeling comes to me as if i am losing a command on my fundamentals so tendulkar ne ज़्यादा emphasis net practice को दिया जब वो किसी match को नहीं खेल रहे होते तो यहाँ पर जो एक लेसन हमने लर्न किया है वो ये कि हमें टाइम टेबल से ज़्यादा और रूटीन को एम्फ़ेसाइज़ करना चाहिए यहाँ पे रूटीन का मतलब है सिस्टम सिस्टम मीन्स वी नीड टू इनकल्केट सम माइक्रो हैबिट्स एटॉमिक हैबिट्स जो ऐसी हैबिट्स जो हमें हमारे टारगेट की तरफ लेकर के जाए वो कौन सी हैबिट्स हैं वो आने वाले समय में मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा लेट अस सी सम मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम अदर फेमस पर्सनैलिटी उसेन वर्ल्ड को तो हम जानते हैं ही इज द फास्टेस्ट पर्सन इन द अर्थ इन टाइम इनके पीछे भी सक्सेस का जो मंत्रा है उन्हों वो आपको इस कोर्ट से पता चलेगा वो कहते हैं कि इजी इज नॉट एन ऑप्शन नो डेज ऑफ नेवर क्विट बी फियरलेस टैलेंट यू हैव नेचुरली स्किल इज ओनली डेवलप्ड बाय आवर्स एंड आवर्स ऑफ वर्क सो ये भी किसी एक स्किल के बारे में एम्फेसाइज कर रहे हैं और वो स्किल उनको कहाँ से अचीव होती है आपके लिए वो कौन सा स्किल है जो आपको बाकी कॉम्पिटिटर से ज़्यादा माइलेज देगा वो है आपके लिए वो राइटिंग स्किल और इस बात का अप्रूवल हुसैन बोल्ड की इस कोर्ट से आपको पता चलेगा उन्होंने किसी जगह कहा है कि फॉर मी आई एम फोकस्ड ऑन व्हाट आई वांट टू डू आई नो What I need to do to be champion, so I am working on it. उनको ये पता है कि 100 मीटर रेस को जीतने के लिए 100 मीटर रेस की प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा इसलिए वो ज़्यादा अपने इन्फेसिस और प्रैक्टिस को वहीं पे फोकस रखते हैं ऐसे ही कुछ आपको भी वो एरिया ज़ीरो डाउन करना है जिसको करने से आप अपने एरिया में सक्सेस को अचीव कर पाए ऐसे ही कुछ लियोन मेसी के साथ भी है लेन मेसी ने तो प्रैक्टिस करने के लिए अपने कोट यार्ड को बड़े बड़े ऊंची ऊंची दीवारों से घेर लिया था जिससे कि वो अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लें और आपको पता होगा कि ये इज सो फेमस कि वर्ल्ड के बहुत फेमस ब्रांड्स इनको अपना एम्बेसडर बना के रखें और इसीलिए ये वर्ल्ड के रिचेस्ट फुटबॉल प्लेयर भी हैंन मेसी भी कहते हैं कि द बेस्ट डिसीजन आर एंड मेड विथ योर माइंड बट विथ योर इंस्टिंक्ट वट इज इंस्टिंक्ट इट योर अ फिक्सड बिहेवियर इन अ डिफरेंट सरकमस्टेंसेस सो जब आपको एग्जामिनेशन हॉल में लिख कर ही परफॉर्म करना है तो आपको भी अपने डेली एफर्ट्स में राइटिंग को ज़्यादा प्रायोरिटीज देनी चाहिए और ऐसे ही कुछ विल स्मिथ भी कहते हैं नो मैटर हाउ टैलेंटेड यू आर योर टैलेंट विल फेल यू इफ यू आर नॉट स्किल्ड स्किल इज अचीव थ्रू प्रैक्टिस वर्क हार्ड एंड डेडिकेट योर सेल्फ टू बींग बेटर एवरी सिंगल डे तो हमने क्या स्ट्रैटेजी लर्न किया हमने स्ट्रैटेजी लर्न किया कि राइटिंग स्किल इज मोर इम्पॉर्टेंट और यहां पर मैं आपको कहूंगा कि इफ यू डोंट प्रैक्टिस यू डू नॉट डिजर्व टू विन सो दिस इज माई सजेशन प्रैक्टिस लाइक यू हैव नेवर ओन इन योर लाइफ एंड परफॉर्म लाइक यू हैव नेवर लॉस्ट इन योर लाइफ तो ये हमारा जो सजेशन है कि आपको अपने डेली रूटीन में राइटिंग को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए रीडिंग से बट ऑबियस है कि आप में से ज्यादातर लोग कंफ्यूज होंगे कि जब हम पढ़ेंगे नहीं तो लिखेंगे कैसे तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के बेसिस पे एक्सप्लेन करता हूं यह क्वेश्चन है इस साल यू पी में पूछा गया सो यू पी एस सी मेन्स ट्वेंटी ट्वेंटी का ये क्वेश्चन जो कहता है कि सजेस्ट मेजर्स टू इम्प्रूव वाटर स्टोरेज एंड इरीगेशन सिस्टम टू मेक इट्स जुडिशियस यूज डिप्लीटिंग टू हंड्रेड फिफ्टी वर्ड्स में लिखना था और इसका आंसर आपको किसी भी एन सी ई आर टी में नहीं मिलेगा और किसी भी किताब की किसी भी चैप्टर में आप इसके आंसर को ढूंढ नहीं पाएंगे ये तो सिर्फ़ और सिर्फ आपके खुद के क्रिएटिव थिंकिंग से ही लिखा जा सकेगा और ये क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ये बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है और इसके आंसर देना बहुत टफ नहीं है क्योंकि हम सब जानते हैं कि इरिगेशन पर्पस से जो वाटर स्टोरेज होता है वो इन कैटेगरीज़ में होता है ग्राउंड वाटर की कैटेगरीज में सॉयल मॉइस्चर की कैटेगरीज में वेटलैंड्स में नेचुरल टैंक पॉन्ट्स लेक्स में एंड डैम एंड रिजर्वायर में हम सबको पता है कि क्यों ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है ज़्यादा क्योंकि डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है और हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं हम इसके डिमांड को रैसनिंग करके कर सकते हैं और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करके कर सकते हैं रिचार्ज कैसे कर सकते हैं वाटर हारवेस्टिंग के थ्रू कर सकते हैं सोयल मॉइशर को कैसे हम रिटेन कर सकते हैं ग्रास को प्रमोट करके कर सकते हैं वेटलैंड्स को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं उसके इकोसिस्टम को प्रिजर्व और कंजर्व करके कर सकते हैं नेचुरल टैंक्स को भी हम पॉइंट्स को कैसे ज़्यादा ड्यूरेबल बना सकते हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करके कर सकते हैं डैम्स एंड रिजर्वायर कैसे सपोर्टिव हो सकते हैं अगर हम बहुत बड़े डैम्स की जगह छोटे छोटे डैम्स बनाएँ जो इकोलॉजिकली वाइबल होंगे और ज़्यादा सपोर्टिव होंगे तो ऐसा इसमें से कौन सा पॉइंट आपको दिखा जो आप खुद नहीं सोच सकते ये सारे पॉइंट्स आप पहले से जानते हैं बट द प्रॉब्लम ये था कि स्पॉन्टेनियसली ये सारे पॉइंट्स आप एक साथ कलेक्ट नहीं कर सकते और ये सब आपके डेली रूटीन हैबिट्स प्रैक्टिस से ही होगा चलिए इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जहां पे इरिगेशन सिस्टम के प्रॉब्लम्स और उसके मेजर्स को डिफाइन करने के लिए कहा गया है इरिगेशन सिस्टम भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं ग्रीन और ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके इरिगेशन टेक्निक्स में हम इरिगेशन की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं ड्रिप इरिगेशन से स्प्रिंग इरिगेशन से एक्वाफर रिचार्ज कर सकते हैं वाटर यूज़ को प्रमोट कर सकते हैं और जो ये अन ओवर डेवलपमेंट हो रहा है इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं जिससे कि इरिगेशन सिस्टम को मैनेज किया जा सके यहां पर भी देखेंगे कि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं था जो आप पहले से नहीं जानते प्रॉब्लम यह होगा कि स्पॉन्टेनियसली एंड इन एग्जामिनेशन कंडीशन यू कैन नॉट कलेक्ट इन शॉर्ट स्पैन ऑफ द टाइम एंड दिस ऑल विल कम व्हेन यू आर इन हैबिट ऑफ डूइंग दिस प्रैक्टिस एवरी डे इन योर लाइक डेली रूटीन तो यहां पर जो हमने लेसन लर्न किया वो ये कि हमें आंसर राइटिंग से रिलेटेड ज़्यादा एफर्ट्स डालना है और इसी स्ट्रेटी से आप अपने बाकी कॉम्पिटिटर को डिफाई डिफीट कर सकते हैं वो कहीं पर मैंने पढ़ा था कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स दे डू द थिंग्स डिफरेंटली आपको ऐसा कुछ करना है जो आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं करते और यहाँ पे मेरा सजेशन यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक हैबिट डेवलप करनी है जिससे आपकी क्रिएटिव थिंकिंग बढ़े और डेली आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस आप करते रहें जिससे कि आपको कमांड मिल जाए ऐसे ही आंसर राइटिंग जो जनरल स्टडीज के लिए इम्पॉर्टेंट है उसके ऊपर टिप्स के ऊपर मैं वीडियो लाता रहूँगा और आप अपने कंसर्न्स को जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें जिसको कि मैं आने वाले वीडियोज में एड्रेस करूँ थैंक यू